हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर में आपका स्वागत है। आज मैं नाला छोपारा से पुणे जा रहा हूँ अपने बाइक से। आप देख सकते हैं सुबह का 4:45 बज गए हैं। चलते हैं, थाना का रूट पकड़ के, हाईवे पकड़ के, ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे पकड़ के मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि बाइक को एक्सप्रेस वे को अलाउड नहीं है। चलो वीडियो पोस्टपोन करते हैं। फ्रेंड्स, आप देखते सकते हैं मैं अपना नाला सोपारा से पुणे जा रहा हूँ। ये थाने की तरफ आ रहा हूँ, थोड़ी भूख लगी, यहाँ पर मिसल पाव ले लिया है। यहाँ का मिसल पाव फेमस है, गावरान स्पेशल चुलीवरची पुणेरी मटकी मिसल। आप देख सकते हैं कैसे मिसल बनाया जाता है यहाँ पर। वीडियो पोस्टपोन करता हूँ। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं असल गावरान ठसका मिसल, यहाँ पर स्पेशल गावरान चुलीवरची पुणेरी मटकी मिलते हैं। फोन नंबर भी आप ले सकते हैं भाई साहब। यहाँ पर आपका मिसल क्या भाव से मिलता है? 40 रुपये साधी मिसल है, 50 रुपये स्पेशल मिसळ आहे, आणि पोहे 25 रुपये, आणि एक बेळ पण आहे आपली गावची बेळ, सर्व गावचं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चुलीवरची मिसळ। चुलीवरची का मतलब क्या होता है? यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे आजकल के ज़माने में हम लोग शेगड़ी के ऊपर खाना वगैरह पकाते हैं, तो ये खास स्पेशल है चुलीवरची स्पेशल मिसळ। चूल्हे के ऊपर का। मैं यहाँ कभी भी आता हूँ तो यहाँ पर हमेशा मिसळ लेता हूँ, अच्छा टेस्टी होता है। आप भी यहाँ पर आ सकते हैं कभी भी, एड्रेस दे सकते हैं। चलो वीडियो पोस्टपोन करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर खंडाला घाट आ गया हूँ मैं अपनी बाइक। देख सकते हैं क्या सुंदर नज़ारा है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये खंडाला घाट है, आप देख सकते हैं नीचे का नज़ारा। झूम कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी इमारतें छोटी छोटी लग रही है। वहाँ से भी छोटी छोटी गाड़ी दिख रही है, नहीं कैमरा बराबर पकड़ नहीं पा रहा है, उन्हें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं वहाँ से आया अभी।
ये पहाड़ आप देख सकते हैं कितना ऊंचा पहाड़ है। जालियां लगा दिए गई है यहाँ पर ताकि कुछ पत्थर ना गिरे। अपनी बाइक यहाँ पर खड़ी है। चलो चलते हैं, राइडर लोग बहुत आ जाते हैं रोड पर। दोस्तों आपको दिखाना चाहता हूँ नज़ारा, सुंदर नज़ारा है। ठंडी ठंडी हवा बह रही है। खंडाला घाट है ये। सुबह के 8 बज चुके हैं। मैं घर से जल्दी निकल रहा था, एक दोस्त मुझे बोला था कि मैं भी साथ में आता हूँ, उसकी राह देखते देखते टाइम हो गया। मैं 6 बजे घर से निकला, राह देखते देखते रह गया उसकी। बाद में उसने फ़ोन किया कि मैं नहीं आ सकता हूँ, तो मैं 6 बजे निकला। अभी कुल सुबह के 8 बजे है। नाला सोपारा से यहाँ मैं खंडाला घाट 2 घंटे में आ गया। 120 का स्पीड से, रोड खाली था, कोई ट्रैफिक नहीं लगा सुबह सुबह के समय। आपको पहाड़ दिखा सकता हूँ, ऊंचा पहाड़ है। यहाँ पर जाली से बांध दिया गया है पहाड़ों को, क्योंकि जो दर्रड़ बोलते हैं, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वो गिरने का डर होता है यहाँ पर नीचे। बारिश में तो ज़्यादा डर होता है, इसके लिए इसे बांधा गया रहता है। दोस्तों नाला सोपारा से पुणे जा रहा हूँ, खंडाला घाट पीछे गया, अभी आगे की ओर जा रहा हूँ। यहाँ पर ज़्यादा ठंड होती है, इसके लिए बाइक को संभाल के चलाना है। अभी मैं 70-80 का स्पीड से जाता हूँ, उससे आगे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ठंड ज़्यादा है। लेकिन सारी गाड़ियां कैसे पीछे जाती है आप देख सकते हैं। मैंने अपना लिमिट रखा है स्पीड में, 70-80 का स्पीड से जा रहा हूँ। दोस्तों जो सीज़न होता है गर्मी के मौसम में, स्कूल को छुट्टी होती है, तो उस समय ये रोड भरा हुआ होता है, ज़्यादा ट्रैफिक होता है। लेकिन रुकता नहीं है क्योंकि रोड क्लियर है, गाड़ियाँ रुकती नहीं है। अभी फ़िलहाल ये रोड खाली खाली नज़र आ रहा है। मैं लॉन्ग टूर पर जाते समय अपने साथ सभी पाना, पकड़, हथौड़ी, जो जो प्रकार का जो नंबर का पाना होता है, जो जो काम आ सकता है बाइक के रिपेयरिंग के लिए, सभी लेके जाता हूँ साथ में।
मेरे बाइक के टायर में अभी तक पंक्चर नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में कहा है मेरे टायर में एंटी पंक्चर लिक्विड मैंने डाल दिया है। अगर बाई चांस कील भी अगर घुस जाता है तो कील निकालने के बाद अपने आप वो पंक्चर निकल जाता है। इसके लिए काउंटर स्टेयरिंग आना चाहिए। मुझे पत्थर दिखा, नोकीला पत्थर दिखा या कील दिखा, गड्ढा दिखा तो मैं बाजू से निकल जाता हूँ, क्योंकि काउंटर स्टेयरिंग करना पड़ता है। फ्लाईओवर ब्रिज का काम चालू है, इसके लिए बाजू से जाना पड़ रहा है। रास्ता खराब है, धीरे धीरे चलना है। ऐसे रास्ते पर जहाँ पर रेती भी होती है, रेतीला सड़क है या कीचड़ जैसा सड़क है, उस समय आगे का फ्रंट ब्रेक कभी नहीं मारना, पैर नीचे नहीं रखना इस समय, क्योंकि जो पीछे बाजू का जो व्हील का जो ब्रेक है उसे हमें कभी भी मारना पड़ेगा। पीछे का ब्रेक मारते तो गिरोगे नहीं, आगे का ब्रेक मारते तो गिरोगे। आगे गाड़ियां है, धीरे धीरे चलना है। रेसिडेंशियल एरिया है, गाड़ी को 20 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से अभी चला रहा हूँ, क्योंकि रोड के अनुसार वैसे चलना पड़ता है। ऐसे सिटी वाला एरिया आ जाता है तो 40-50 के स्पीड से ही जाना है। क्योंकि ऐसे रोड पर अगर स्पीड में हम लोग जाते हैं तो अचानक कोई भी आ सकता है, आदमी लोग भी आड़े टेढ़े आ जाते हैं, कोई कोई गाड़ी के ड्राइवर भी आड़े टेढ़े होते हैं, बोल नहीं सकते कैसा चलाते। हमें संभाल के चलना है, लेकिन जितनी गाड़ियां सब गाड़ियां पीछे जा रही है आप देख सकते हैं। हालांकि मैं अभी ज़्यादा स्पीड में नहीं चला रहा हूँ, ज़्यादा ज़्यादा 70 या 80 या 90 ये स्पीड से जा रहा हूँ, जो सिचुएशन है वो हिसाब से। आप देख सकते हैं आगे भी गाड़ियां वो सब पीछे जा रहीगी। एक राइडर आगे चला गया लेकिन वो बाद में थोड़ी देर के बाद पीछे चला जाएगा। जो कार आगे गई थी पीछे गई, जीप पीछे गई, सभी गाड़ियाँ आहिस्ता आहिस्ता पीछे जाएगी। हालांकि मैं ज़्यादा स्पीड में नहीं चला रहा हूँ अभी, क्योंकि ज़्यादा स्लो भी चलाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। रोड क्लियर है लेकिन ज़्यादा ठंड होने के वजह से थोड़ा लिमिट में गाड़ी चलाना पड़ता है। ठंडी ज़्यादा महसूस हो रही है, ज़्यादा ठंड नहीं होती तो मैं थोड़ा बाइक को भगा देता था। मुझे पुणे में एरोड़ा ये जगह पर जाना है, वहाँ पर एक प्रोग्राम है, 11 बजे का टाइमिंग दिया है। ऐसे तो मैं वहाँ पर 10 बजे तक पहुँच जाऊँगा, अभी समय बाकी है। गाड़ी को कितना भगाना है, कितना स्लो करना है अपने ऊपर है।
हाईवे पर जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है, जैसे ट्रक है, टैंकर है, इनकी लाइन फिक्स होती है, तो इनको संभालना है कभी भी, इनके राइट से जाना है या लेफ्ट से जाना है, ये पहले ही हमें सोचना है, बाद में नहीं सोचना, पहले ही सोचना है। ऐसे सिचुएशन में मैं ज़्यादा करके राइट बाजू से निकल जाता हूँ, क्योंकि राइट बाजू का रास्ता क्लियर है। राइट बाजू से हम कभी जा सकते जब हमें आगे बढ़ना है, उस समय आप देख सकते हैं मैं मिडल में रहता हूँ या राइट में जाता हूँ। फिर से रेजिडेंशियल एरिया आ गया, स्पीड कम करना पड़ेगा। स्पीड कम करेंगे तो बाइक वाले को लेफ्ट में आना पड़ेगा, क्योंकि पीछे से स्पीड में कार या दूसरी कोई भी गाड़ियाँ आ सकती है, क्योंकि हमने स्पीड कम रखा था इसके लिए। जैसे स्पीड बढ़ोगे वैसे मिडल में या राइट में जा सकते हैं। आप देख सकते हैं सभी गाड़ियाँ पीछे जा रही है, क्योंकि मुझे 10 बजे तक वहाँ पर पहुँचना है। येरवड़ा ये जगह पर, पुणे में जो पुणे स्थित येरवड़ा जगह है, वहाँ पर कार्यक्रम होने के वजह से 11 बजे का टाइमिंग है, लेकिन मुझे 10 बजे पहुँचना है। समय बहुत बाकी है, अभी मैं ज़्यादा स्पीड में नहीं भगा रहा हूँ। आप देख सकते हैं 60, 70, 80, ज़्यादा से ज़्यादा 90, ये स्पीड से जा रहा हूँ। आगे फोर व्हीलर है, सभी फोर व्हीलर पीछे जाएगी। ये सिचुएशन में देखना है दोनों के बीच में से जाना है। जगह मिल गया, आगे निकल गया। दोस्तों, अगर आपको लॉन्ग टूर जाना है तो आपको बाइक हो या दूसरी कोई भी प्रकार की व्हीकल हो, अच्छी तरीके से उसे चलाने आना चाहिए। इसके लिए आपको मेन ब्रेकिंग सिस्टम आना चाहिए, बैलेंस तो आना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ ब्रेकिंग सिस्टम होना चाहिए। ब्रेकिंग सिस्टम मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बाइक में, क्योंकि आप कौन सा ब्रेक मारते हो, आगे का, पीछे का, या दोनों, या इंजन ब्रेक, इसके ऊपर डिपेंड है कैसे रुकना है वो। उसके बाद आपको काउंटर स्टीयरिंग भी आना चाहिए। काउंटर स्टीयरिंग का इस्तेमाल ज़्यादा होता है जगह जगह पर। समझो बाय चांस कोई आगे आ गया तो बाजू से तुरंत निकलना है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे बाइक के टायर में अभी तक पंक्चर नहीं हुआ, उसका वही कारण है। कील दिखाई देगा तो मैं बाजू से निकल जाता हूँ।
गाड़ी को स्लो करना है। चलो चलते हैं। आप देख सकते हैं आगे ट्रक है, लेफ्ट में जगह है, लेफ्ट से जाना है, राइट में जगह नहीं है। और आगे ट्रक है, लेफ्ट से ही जाना है। ये सिचुएशन आप देख सकते हैं। सामने की ओर ज़्यादा गाड़ियाँ आ गई, अभी पहले ही सोचना है उन्हें ओवरटेक करने के पहले राइट में जाना है या लेफ्ट में जाना है, कैसे जाना है। टी रोड भी है, कोई भी आगे घुस सकता है सिग्नल तोड़ने के लिए। मुझे बीच में जगह मिल रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। राइट में जगह नहीं, लेफ्ट में आ जाएगा। ये बड़ी गाड़ियाँ है, संभाल के चलाना है। थोड़ा मैं काउंटर स्टेरिंग कर दिया, लेफ्ट में आ गया। चलो आगे। सभी गाड़ियाँ पीछे पीछे जा रही है अपने बाइक के आगे, कोई गाड़ी नहीं जा रही है। गई तो एक दो गाड़ियाँ जाती है, फिर भी मैं ये सिचुएशन में ज़्यादा भगाता नहीं हूँ। नहीं तो काउंटर स्टेयरिंग करते करते मैं आगे निकल जाता था, लेकिन संभाल के जाना है। जो सीमेंट कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन का काम होता है, इसका जो सीमेंट कंक्रीट लेके जाने वाली सामने गाड़ी है, आगे सिचुएशन देख सकते, जाने का रास्ता नहीं, धीरे करना है। ये सीमेंट कंक्रीट वाली गाड़ी है, उसे कहाँ पर जाना है मुझे भी पता नहीं हो रहा है। लेफ्ट में जा रहा है, राइट में जा रहा है, इधर उधर घुमा रहा है। आप देख सकते, राइट में गया, फिर से लेफ्ट में आ गया। चलो उसको ओवरटेक किया, लेफ्ट बाजू से आगे चलते हैं। जो आगे बाइक वाला निकल गया था वो भी पीछे जाएगा। जो बाइक वाला आगे निकल गया था पीछे गया। ये गाड़ियों से संभाल के रहना है। ये टेम्पो जा रहा है पीछे, कभी भी ऐसे टेम्पो से बचकर रहना है, क्योंकि जो नया नया ड्राइवर होता है इस प्रकार के टेम्पो का आड़ा टेढ़ा भगा देते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, एक्सीडेंट बहुत होता है वैसे लोगों का। ट्रक वालों का इतना एक्सीडेंट नहीं होता है, लेकिन ये जो टेम्पो वाले होते हैं इनके एक्सीडेंट बहुत दिखाई देता है। अभी जो ट्रक गया वो अपना कंट्रोल में जा रहा है, लेकिन जो नया नया बच्चे लोग होता है चलाते हाईवे के ऊपर आ गया तो भगा देते हैं। आगे का सिचुएशन देख सकते हैं, दोनों का बीच में से जाना है मुझे, अगर आगे मुझे जाना है तो। बाइक को कंट्रोल करने आना चाहिए।
पुणे जाके मेरा जो प्रोग्राम है उसका निपटारा करके मुझे वापस आना है अपने घर नाला सोपारा। देखते वहाँ का सिचुएशन कैसा है। अपने बहन के पास भी जाना है, बहन भज्जा उनको भी मिलना है। देखते वापस आऊँगा, नहीं तो एक रात वहाँ पर बिताऊँगा, दूसरे दिन रिटर्न आ जाऊँगा। लाल कलर की कार आगे चली गई, थोड़ी देर में वो भी पीछे जाएगी। दोस्तों यहाँ पर टोल नाका आ गया, बाइक को कोई भी प्रकार का टोल महाराष्ट्र में नहीं देना पड़ता है। बाइक के लिए लेफ्ट बाजू में छोटी सी लाइन होती है, वहाँ से निकलना है टोल के समय। चलो टोल नाका पीछे गया, चलते हैं आगे। दोस्तों नाला सोपारा से पुणे आज मैं आ गया, तो इस रात मैं अपने भांजे के यहाँ पर रुक गया। भांजे ने कहा कि एक रात रहना है, उनको रेस्पेक्ट देते हुए मैं यहाँ पे रहा हूँ। कल सुबह फिर से मुंबई के लिए निकलूँगा। कुछ ऐसे कार्यक्रम होने की वजह से मैं ज़्यादा शूट नहीं कर सका, कल मैं शूट करूँगा, आपको अलग अलग स्पॉट दिखाने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं ये मेरे भांजे हैं, इनका नाम सिद्धार्थ मोरे है, इनकी ये पत्नी है जयश्री मोरे, ये मेरे जीजाजी हैं, इनको तो आप पहचानते हैं, मेरे दीदी को
बताना चाहता हूँ, हम इसे आपका के नाम से बुलाते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, मेरी बड़ी बहन है, इसे हम अक्का के नाम से पहचानते हैं। अक्का बोले तो मराठी में बड़ी बहन को अक्का कहते हैं। आपको दिखा सकता हूँ, वीडियो पोस्टपोन करता हूँ अभी।